दिल्ली से भाजपा के सांसद गौतम गंभीर और नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह की क्लास में आज युवा भाजपा महिला पदाधिकारी ने राजनीति में एंट्री पर समझौते प्रलोभन और क्रिटिसिज्म पर सवाल पूछकर दोनों भाजपा नेताओं को सख्ते में डाल दिया। दरअसल आज मुरादाबाद के टीएमयू के हॉल में भाजपा का युवा उत्थान नाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता बुलाए गए थे, जिसमें युवा महिला मोर्चा से जुड़ी हुई कार्यकर्ता भी मौजूद थी। क्रिकेटर और भाजपा से सांसद गौतम गंभीर के उद्बोधन के बाद कार्यकर्ता उनसे आज के परिवेशन में राजनीति पर सवाल जवाब कर रहे थे। इसी बीच अपनी बारी आने पर भाजपा युवा मोर्चा की जिला मंत्री कशिश चौहान ने सवाल किया कि राजनीति में आने के लिए महिलाओं को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं और उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, इसका भाजपा के पास क्या सॉल्यूशन है। उनका यह सवाल सुनते ही दोनों नेता सख्ते में आ गए, क्योंकि युवा कार्यकर्ता का सवाल कड़वा मगर सच था। गौतम गंभीर ने संभलते हुए इसे खुद से जोड़कर बताना शुरू किया कि उनकी भी दो बेटियां हैं और बहन हैं, और राष्ट्रीयता तभी संभव है जब हम महिलाओं का सम्मान करें। केवल राष्ट्रगान ही राष्ट्रीयता नहीं है। गौतम गंभीर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार किया है कि हाँ, राजनीति महिलाओं के लिए मुश्किल है। ये मुश्किल तभी कम हो सकती है जब एजुकेशन का दायरा बढ़ाया जाए, जिसके लिए भाजपा की सरकारें लगी हुई हैं। इज्जत भी दी जा रही है, चाहे हमारी सरकार के द्वारा या फिर भारत के द्वारा। परंतु अगर हम जमीनी स्तर की जो वास्तविकता है उसको देखें, तो जब महिलाएं राजनीति में कदम रखती हैं, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, जिले स्तर पर हो, प्रदेश पे हो या फिर महानगर स्तर पर हो, तो उन्हें प्रलोभन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, और ये वास्तविकता है। अगर मैं अपनी खुद की भी बात करूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक वेल विशिंग प्लस एक मोटिवेशन से ज़्यादा क्रिटिसिज्म ज़्यादा झेलना पड़ा था। तो आखिर उसको दरकिनार करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, और उसके साथ ही जो हमारे भाई बंधु हैं और समस्त हमारे जो लोग हैं महानगर के, जिले के, सभी जगह के, वो आखिर हम लोग ऐसा क्या कदम उठाएं कि उससे मोटिवेशन आए और जिससे और भी महिलाएँ और भी बहनें एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ सके, ना कि प्रलोभन का शिकार हो। देखिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल रहा, मैं यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें कोई वो हंसने की बात नहीं, क्योंकि हम नेशनलिज्म की बात करते हैं। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, और ये यूथ को सुनना बहुत ज़रूरी है, नेशनलिज्म हर जगह है। नेशनलिज्म सिर्फ नेशनल एंथम गाना नहीं है, नेशनलिज्म एक महिला की इज्जत करना भी नेशनलिज्म है। जब तक हम महिला की इज्जत नहीं करेंगे, तब हम इस देश के प्रति ना तो हमारे को कोई हक बनता है कि हम अपने आप को एक इंडियन कहें, एक हिंदुस्तानी कहें, ना हम इस देश के प्रति सच्ची भावना से किसी भी तरीके का अच्छा काम करेंगे। नेशनलिज्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि हमारे को एक महिला की इज्जत करना, हमारे घर पर भी हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं। मेरे खुद घर में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी दो बच्चियाँ हैं। तो मुझे एक ही चीज़ सिखाई गई थी शुरू से, कि आप अच्छे खिलाड़ी बने या ना बने, आप बिजनेस में अच्छा करें या ना करें, आप सक्सेसफुल हो या ना हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास पद हो या ना हो, लेकिन एक इंसान, और ऐसा इंसान कि जो ना सिर्फ अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी और अपनी बच्चियों की इज्जत करता है, बल्कि बाहर हर महिला की इज्जत करता है, तब हम अच्छे इंसान बनेंगे और तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तो सिर्फ घर में जो आपका रिलेशन है, सिर्फ उसका सम्मान करना ही सम्मान नहीं है, कि आप वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर अपने कुलीग हो गए, या फिर आपसे ऊपर कोई महिला हो गई, वो इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक कि आपने सवाल पूछा कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल आपको साफ ही कहूँगा कि महिलाओं के लिए मुश्किल है, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, ये चीज़ धीरे धीरे ही बदलेगी, और ये सारी चीज़ शुरू होगी एजुकेशन से, सिर्फ घर पर नहीं, स्कूल में भी, कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को एजुकेट करते हैं। मैं अपनी बच्चियों को एजुकेट करूं, या मेरे घर में मैं अपने बच्चों को एजुकेट करूं, साथ में आपको मेंटली टफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस देश की असली शक्ति है तो वो पुरुष नहीं, वो महिला है। क्योंकि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं
तो सिर्फ आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। क्योंकि ये जो ज्ञान, ये मुझे मेरे फादर ने नहीं दिया था, ये मुझे मेरी मदर ने दिया था कि किस तरीके से महिला की इज्जत करना है। तो अगर शायद मेरी मदर ने मुझे ये ज्ञान ना दिया होता तो मैं शायद कभी भी किसी महिला की इज्जत ना कर पाता। तो इसलिए महिलाओं का पढ़ना और महिलाओं का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर फील्ड में अगर आप देखें, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को भी देखें, इस बार कितनी महिलाओं को हमने मंत्री बनाया। मुझे पता है बहुत चैलेंजेस हैं, और जैसे आपने बोला मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन एक चीज़, जब आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे जाएंगे और जब आपको एक अच्छा पद मिलेगा, तब आप उन लोगों को समझा सकते हैं या और मेंटली टफ कर सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कितनी है इस देश को आगे लेके जाने के लिए। इसलिए मेंटली स्ट्रांग रहना। बाकी पुरुषों के लिए एक ही मैसेज है, सिर्फ अपने परिवार में नहीं, बाहर की महिलाओं की भी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है।